पर पाक परवरदिगार के नाम से जो रहमान भी है रहीम भी है। कलीग्स गर्ल्स एंड बॉयज, अजीज दोस्तों, मैं जब इस कैंपस में आया तो कोशिश थी कि महसूस करूं कि इस कैंपस का मिजाज क्या है, और मैंने जो गौर किया, मैंने बहुत सारे कैंपसेस देखे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी मैं रहा हूं, JNU में भी रहा हूं, कुछ दिन अलीगढ़ में भी रहा हूं, जामिया मिल्लिया नेक्स्ट डोर था, दिल्ली यूनिवर्सिटी बराबर जाना हुआ, अक्सर वहाँ मैं रहा भी हूँ, हॉस्टल्स में रहा हूँ, फिर मैंने गुवाहाटी कैंपस भी देखा। बनारस यूनिवर्सिटी में मेरे वालिद थे, उस कैंपस को मैं अच्छी तरह से पहचानता हूँ। बहुत सारे कैंपसेस मैंने देखे, मैंने न्यू जर्सी का रटगर्स का भी कैंपस देखा, मैंने प्रिंसटन का भी कैंपस देखा, इसलिए कि मैं वहाँ भी रह चुका हूँ काफ़ी अरसे तक। प्रिंसटन में मैंने पढ़ाया भी है और कोलेबोरेशन भी किया है। मेरा एक सिलसिला रहा बहुत सारे कैंपसेस का, मैंने सेमिनार्स कॉन्फ्रेंसेस करवाए हैं, उस्मानिया में मैंने कॉन्फ्रेंस करवाई, इफ्लू में मैंने कॉन्फ्रेंस करवाई, कश्मीर यूनिवर्सिटी श्रीनगर में मैंने करवाई, पूना यूनिवर्सिटी में मैंने करवाई, लखनऊ यूनिवर्सिटी में, कैलकटा यूनिवर्सिटी में, और कलीना कैंपस बॉम्बे में और गुवाहाटी में। इसके अलावा बनारस में भी संस्कृत यूनिवर्सिटी में कॉन्फ्रेंस कराई। मैं तमाम ये तजुर्बात रखता हूँ। उसके बाद यहाँ मैंने जब इस कैंपस को देखा तो एक चीज़ मुझे, हो सकता है आप पर रिवील ना हुई हो, मुझ पर ज़रूर रिवील हुई, वो ये है कि यहाँ वो अमीरों की हवेलियों से आए हुए बच्चे नहीं हैं। यहाँ आए हुए बच्चे किसी कारपोरेट लैंड से नहीं आए हैं, बल्कि ये आए हैं बिल्कुल उस जगह से जहाँ जिंदगी को बहुत करीब से पहचानते हैं। आप यकीन जानिए ये क्वालिटी आपको किसी कैंपस में नजर नहीं आएगी, और यही वो है जब एडमिशन पॉलिसी JNU में चेंज हुई तो जो डिप्राइव्ड सेक्शन के लोग थे वो आना बंद हो गए, इसलिए कि उनको पॉइंट्स नहीं दिए गए। पहले पॉलिसी में 17 पॉइंट दिए जाते थे, इंक्लूडिंग फर्स्ट जनरेशन लर्नर, 7 पॉइंट मिलते थे उनको बैकवर्ड के, और इतने ही मिलते थे शेड्यूल कास्ट के लिए भी, और इस सूरत से 4 पॉइंट मिलते थे उनको फर्स्ट जनरेशन लर्नर के, और इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन से जो आते थे उनके लिए भी पॉइंट था, तो टोटल 17 पॉइंट्स हो जाते थे। तो कंपटीशन कितना आसान हो जाता था। जब 17 पॉइंट लेके आप ऑलरेडी आ रहे हैं तो आपके लिए रास्ता बना है। धीरे धीरे एडमिशन पॉलिसी जब ख़त्म हुई तो कौन आने लगे, वो जिनके पास कारें थी, वो जिनके पास फोर व्हीलर्स थे। अब हॉस्टल्स के सामने आपको साइकिलें नहीं दिखाई देती थी, या तो टू व्हीलर्स दिखाई देते या फोर व्हीलर्स दिखाई देते। यहाँ हमारे जो बच्चे हैं वो उस दौर के बच्चे हैं JNU को उस एडमिशन पॉलिसी के जिन्होंने अपने डिप्राइव्ड स्टेट को देखा है, अपने हकूक को बहाल होते हुए नहीं देखा है, जिनके लिए सच्चर कमेटी बिठाई गई, जिनके लिए कुल्लू कमेटी बिठाई गई। और क्वालिटी क्या है, वो जो रिसर्च, जो एजुकेशन जो डिप्राइव्ड हैं वो हासिल करते हैं, ये अमीरों के घरों के बैठने वाले वो हासिल नहीं करते। ये अपनी थीसिस दूसरों से लिखवाते हैं, ये जो गरीब घरों से आते हैं ये खुद अपनी थीसिस लिखते हैं।
तो मैंने देखा यहां कुछ करना चाहिए, हुआ है, मजीद करना चाहिए, इसलिए कि ये हैं डाउन टू अर्थ, जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। इनकी जमीनी हकीकत यह है कि ये सोचते हैं, समझते हैं, तब अपनी बात को कहते हैं। और यही हाल मैंने उनके टीचर्स का भी देखा, एक मिजाज देखा। दूसरी तरफ मुझे खुशी हुई इस कैंपस को देख के, वो ये हुई कि ये हेल्थ कॉन्शियस कैंपस भी है। इसीलिए मैंने जो नार्कोटिक्स वाले आए थे, आपको शायद याद हो, उनमें आप में से कोई वहाँ जमा हो, जो मैंने कहा था कि माय कैंपस इज स्मोक फ्री कैंपस। हाँ, इनका रोज वेलकम करूंगा, मगर किसी शिकायत पर अगर ये आएंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ये गारंटी मैं नहीं ले सकता, मैं ये जरूर गारंटी लेता हूं कि यहाँ चाय की हाजत बहुत है, मगर ये मैं गारंटी नहीं ले सकता कि भाई यहां पर किसी किस्म का कोई और चाल चलन हो नहीं है। इसलिए ये कैंपस एक खूबसूरत कैंपस है, इसको मानना पड़ेगा कि ये एक खूबसूरत कैंपस है। मैंने सुना है, और यहाँ जो मुहतरमा बैठी हैं वो इस बात की सदाकत में होंगी, तायीद करेंगी, कि यहाँ पर 300 लड़कियों ने योगा के लिए एप्लीकेशन दी, मगर सिर्फ गुंजाइश 50 की थी, इसलिए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, और सेकंड शिफ्ट की भी बात चल रही थी, हो सकता है कि आने वाले दिनों में 100 हो जाए तैयार। जिम को मैंने कभी खाली नहीं देखा, स्पोर्ट्स में सबका इन्हिमात देखा। इसीलिए मैंने कल अजहरुद्दीन साहब का फोन फिर खुद आया था मेरे पास, वो कहते थे मुझे माफ कीजिएगा, मैं दुबई में और दूसरी जगहों पर रह गया, मैं आपके पास आता हूँ, एक MOU साइन होना है, वो ज़रूरी होता है, MOU साइन होना है, आप तैयार रखिए, मैं आ जाऊँगा किसी दिन भी और बैठ के MOU साइन करूँगा। उनका सारा, उन्होंने जितना भी पैमाइश थी वो सब कर चुके हैं और ये काम शुरू होने वाला है। इंशाल्लाह वी विल हैव अ वंडरफुल क्रिकेट ग्राउंड। तो हेल्थ के मामले में भी हमारा कैंपस बहुत खूबसूरत रहेगा इंशाअल्लाह। हमारे यहाँ जयसी साहब ने अभी फरमाया कि कोविड के सिलसिले में, लेकिन पिछला रिकॉर्ड अगर आप उठा के देखेंगे तो और कैंपसेस के मुकाबले में हमारा कैंपस बहुत सेफ रहा है, लेकिन एहतियात की ज़रूरत तो है। अब बात आ गई, मैं मिनिस्ट्री में, UGC में अपने लिए नहीं जाता, आपके लिए जाता, नए कोर्सेज खोलने हैं, नए टीचर्स चाहिए। अब मुझे मालूम है हमारे बच्चे जब कोई टीचर नहीं होता तो आ जाते हैं और एक ग्रुप के साथ आते हैं, कहते हैं सर फलां का टीचर चाहिए, ये तो उसका स्पेशलाइजेशन नहीं है। हमें लगता है कि इनमें सीखने का और ये जो उनका स्पेशलाइजेशन है उसकी तरफ उनकी तवज्जो है, हमारी भी तवज्जो है। आप जब इस तरफ हमारी तवज्जो दिलाएंगे तो हम भी तवज्जो देंगे इंशाल्लाह, उसको भी हम देख रहे हैं। एक और बड़ी बात, मुझे ज़्यादा यहाँ गुफ्तगू नहीं करनी है, सिर्फ एक बात और करनी है। मुझे आपका हर दम ख्याल है, रजिस्ट्रार साहब की तारीफ हो गई, नहीं मैं जानता हूँ, ये शनिचर इतवार को भी काम करते हैं, कल भी आप इनको ऑफिस में देखते हैं, मगर हर चीज़ को एक सिस्टमेटिक वे से फाइल पर लाना और उसको इम्प्लीमेंट करना, आपके और भी कैंपसेज हैं, ऑफ कैंपसेज बहुत सारे आपके हैं, उनको भी इन्वॉल्व करना। अभी कल ही एकेडमिक काउंसिल थी, 29th को फाइनेंस कमेटी की मीटिंग है और उसके बाद एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, ये सारी चीज़ें जो है वो जिम्मेदारी वाली हैं। हमने आपके लिए 4 जुलाई को टीम आ रही है माइनॉरिटी कमीशन से, हमें अफसोस है
कि यूजीसी ने जो प्रोग्राम आपके कोचिंग सेंटर का रखा था, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए जो कोचिंग एकेडमी बनाई थी, वो आगे नहीं बढ़ पाई कोविड के बाद, और वहाँ से जो मदद थी मिनिस्ट्री से और यूजीसी से वो बंद हो गई। हमने दूसरा दरवाज़ा खटखटाया और आप फौरन से फौरन 27 को हमने अप्लाई किया, 31 को हमारी एप्लीकेशन कबूल हो गई और आपके लिए एक बड़ा कोचिंग सेंटर खुलने वाला है फॉर माइनॉरिटीज। ये माइनॉरिटी कमीशन की तरफ से है और हम चाहेंगे, हमारे पास जो लिस्ट है उसमें आप में से 39 अभी तक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो सिविल सर्विस का है उसमें कामयाब हो चुके हैं। हम चाहेंगे कि ये 39 फिर एक दो साल के अरसे में ये 39 40 होके 20-20 मिनिमम हमारे यहाँ के तलबा निकले और सिविल सर्विसेज में जाएं और वहाँ पर कल भी हमने कहा था, अपने पुलिस से कहा था, आज मैं अपने तलबा से कहना चाहता हूँ, आपको कोई शक हो तो मुझे जरूर बताइएगा हमारी नीयत में, और हमें वो भी मौका न दीजिए कि हम आपकी नीयत में शक करने लगे। परछाइयों से धूप का रिश्ता नहीं रहा, परछाइयों से धूप का रिश्ता नहीं रहा, इतना खींचा दरख्त के साया नहीं रहा। और अपनों को जब से गैर समझने की भूल की, अपनों को जब से गैर समझने की भूल की, उस दिन के बाद कोई भी अपना नहीं रहा। उस दिन के बाद कोई भी अपना नहीं रहा और चादर की खुशनुमाई में सब फूल काम आए, चादर की खुशनुमाई में सब फूल काम आए, इनमें कोई बड़ा कोई छोटा नहीं, चादर की खुशनुमाई में सब फूल काम आए, इनमें कोई बड़ा कोई छोटा नहीं रहा। और दिल तोड़ना न चाहिए था आपको हसन, दिल तोड़ना न चाहिए था आपको हसन, जब इसको जोड़ने का सलीका नहीं था।